याद आए, मुझे तो याद आए, बहुत याद आए, कमें जिंदगी के अंधेरे में हमने जरा भी मोहब्बत के जलाए बुझाए, मुझे तो याद आए, याद बहुत अच्छे। तो मैं आज के संदर्भ में ये कविता पेश करूंगा आपके सामने। समय नहीं है, समय ही समय सविता करो, पढ़ो पढ़ो, अच्छा गाते हो, चश्मा पहन दिया, चश्मे के कवर को लगा दिया। आज के इस संदर्भ में है, बच्चे गला रहे जिसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसको अपने हाथों से खाना खाना बताया, और जिसको आंगन में घोड़ा बन के घुमाया, बड़ा होकर के आज उसी बेटे ने मुझे धमकाया, और मेहनत मजदूरी करके हमने जिसको पढ़ाया, उसकी हर इच्छा पूरी की, नौकरी लगाया, शादी करी इसकी और शहर में बसाया, मिलने गया तो उसे उससे मुझे पहचान न पाया, पोते ने ऊपर से देखा तो वो मेरे पास आया, पोते ने ऊपर से देखा तो वो मेरे पास आया, तब बहू ने ऊपर से ही कहा था, उसे धमकाया, कहा दादा से कह दे बैठ जाएंगे नीचे, कहा दादा से कह दे बैठ जाएंगे नीचे, अभी बेटा तुम्हारा ड्यूटी से नहीं आया, ये वही बहू है मित्रों जिसे मैं प्यार के लाया, अपनी औकात से ज्यादा मैंने जोर लगाया, कर्जा इसी के ब्याह का, कर्जा इसी के ब्याह का जो अभी तक न उतर पाया, आज उसी बहू ने मुझको समझा पढ़ाया, पोता भी अब तो समझदार हो गया था, पोता भी अब तो समझदार हो गया था, क्योंकि शिशु काल में उससे मुझे प्यार हो गया था, माँ ने बुला लिया था ऊपर से, वो लाचार हो गया था, और मैं तो वापस घर चलने को तैयार हो गया था, इतने में गाड़ी आने की थी आवाज आई, गैरेज में बढ़ती थी मुझको दिखाई, मेरा ही बेटा था इसमें सीधा ऊपर चढ़ गया, और यह देखकर मेरा ब्लड प्रेशर और बढ़ गया। बहू ने कहा कि आपके पिताजी आए हुए हैं, बहू ने कहा कि आपके पिताजी आए हुए हैं, देखो वो मैंने नीचे बैठाए हुए हैं, बेटा बोला अभी मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ, बेटा बोला मैं अभी कपड़े चेंज कर रहा हूँ, ये खबर कुछ और देर में देती कम से कम उसे चाय तो पिला देती, मुझे तो कहीं जाना है तू उन्हें बता देना, मुझे तो कहीं जाना है तू उन्हें बता देना, और रुके तो रात को खाना खिला देना। सुनकर पड़ोसी ने पूछा कि कौन आए हैं, सुनकर पड़ोसी ने पूछा कि कौन आए हैं, बेटे ने कहा गांव के हैं, गांव की कोई खबर लाए हैं, बेटे ने पूछा गांव के हैं, गांव की कोई खबर लाए हैं, जीने से रास्ते से मुझे सब आवाज आ रही थी, और बैठे बैठे मुझे नाज आ रही थी, पोते ने ऊपर से कहा कि दादाजी, पोते ने ऊपर से कहा कि दादाजी माँ ने कहा है इतवार को जाना, और ये भी कहा है कि खाना खा के जाना, मैंने सोचा बहुत निरादर हो चुका है, अब मुझे चलना होगा, जैसे बेटा बदल गया है मुझे भी अब बदलना होगा, अब तो मैं बेइज्जत होकर चल पड़ा था, अब तो मैं बेइज्जत होकर चल पड़ा था, मुड़कर देखा तो पोता मुझे देखकर जा खड़ा था, आंसू तो मेरी आंखों में भी आ रहे थे, और पोता तो वास्तव में रो पड़ा था। मुझको रह रहे के जल्द, मुझको रह रहे के जला रही थी, नालायक औरत का, नालायक और लायक का अंतर बता रही थी, बेटा मुझसे मिले बिना ही जाने को कह गया था, घाव गहरा था मगर फिर भी मैं सह गया था, क्योंकि पोते की ममता ने दरिया में बह गया था, पोते की ममता के दरिया में बह गया था,
मैं सोच रहा था कि अपने बेटों को दोष मानूं या इस जमाने के नए दौर को कोसूं। नहीं, दोष मेरे ही बेटे का है। नहीं, दोष मेरे ही बेटे का है। इस जमाने में बहुत से ऐसे बेटे भी हैं जो शहर में नौकरी करते हैं, फिर भी अपने माँ बाप का, अपने गांव के लोगों को नहीं भूलते और ना ही अपनी जड़ों को भूलते हैं। अब तो उसने अपने नाम के सामने वर्मा लगा लिया है। अब तो उसने अपने नाम के सामने वर्मा लगा लिया है और अपना घर अजनबियों में बसा लिया है। अब तो उसने अपने नाम के सामने वर्मा लगा लिया है और अपना घर अजनबियों में बसा लिया है, इसलिए उसका घर ढूंढने में मुझे दिक्कत हो गई। अपनों की अपेक्षा मेरे उसकी बेइज्जती हो गई। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसे हमारी याद आई। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसे मेरी याद आई, मुझको भी बुलाया और माँ भी बुलाई। पड़ोसी बोले, वर्मा जी आप क्यों चुपचाप हैं? उसने कहा कि भाई ये मेरे माँ बाप हैं। तो एक कविता एक मिनट की पढ़ूंगा मैं। आपके किताब का तो जब से बाबा साहब के हम जिंदगी में आए हैं और बाबा साहब के उपदेश आदेश हमने सुने हैं तो हमारे जीने का ही तरीका बदल गया। अभी मैंने पूनम अम्बेडकर को सुनाई, हमारे यहाँ भी बोली थी, लेकिन इन्होंने जो स्त्री जागरण पर जो अपना वक्तव्य दिया था वो मुझको बहुत पसंद है। औरतों की महफिल में ऐसे ही विचार चाहिए, ऐसे ही नव विचार चाहिए, ऐसे ही क्रांतिकारी विचार चाहिए। और पूनम जी जब तो बोल रही थी अब 2018 में, मैं तो 1980 में बोल रहा था। एक बार 1980 में जब तुम पिस्टल वाली बात कर रही थी तो हम पिस्टल वाली बात 1980 में भी कर रहे थे। तो हमें एक जीने की कला, हमें जीने का तरीका आ गया है बाबा साहब की मेहरबानी से, तो वो इस कविता के अंदर है। आज आई है हमें शान से जीने की कला, आज आई है हमें शान से जीने की कला, आज आई है हमें शान से जीने की कला। वह क्या बात है सम्मान से जीने की कला, वह क्या बात है सम्मान से जीने की कला। आदमी पन से आदमी को खिसकते देखा, अपनी आँखों से जिंदगी को सिसकते देखा, नंगेपन को भी आदमी का निकट से देखा। उनकी आती है खूनीन को पीने की कला, आज आई है हमें शान से जीने की कला। जानवर जीत गए यहाँ दलितों का मंदिर अंदर, जानवर जीत है यहाँ दलितों का मंदिर अंदर, लगी पाबंदी एक उनके यहाँ पढ़ने पर, आज भी चढ़ना मना है उनके कुएं पर। सजा दी जाएगी घोड़ी पे उनके चढ़ने पर, छोड़ दी आज से अपमान से जीने की कला, आज आई है हमें शान से जीने की कला। जो जलालत है जहर पिया करते हैं, जो जलालत का जहर पिया करते हैं, और मर मर के रोज हम तो जिया करते हैं। मेरे पुरखों पे जुल्म रोज किया करते हैं, हमको कैरों की तरह दर्द दिया करते हैं। सिंधी आजाद ने संविधान से जीने की कला, आज आई है हमें शान से जीने की कला, आज आ
में शान से जीने कला। Thank you.